जय हिंद, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय। आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपको एक वीडियो के साथ, जिसमें आप देख रहे हैं सामने वीडियो में किस प्रकार गौवंश बेचारा रोड पर पड़ा हुआ है, उसके पीछे के दोनों पैरों पर कोई अज्ञात वाहन गाड़ी चढ़ा गया। और आप देखिए गौर से उस गौवंश की आंखों में कितने आंसू निकल रहे हैं, बेचारा पानी पीने तक के लिए कितना दर्द हो रहा है। आप महसूस कीजिए किस प्रकार लोग, और ये जितने भी मेरे भाई जो ट्रक वाले हैं, बस वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके अंदर अगर मानवता है तो आप इतना ज़रूर देखें कि किसी कोई गौवंश आपको लगता है कि निकल गई गाड़ी निकल गई, तो कृपया उसे उतर कर या थोड़ा 1 मिनट के लिए रुक कर उसे हटा कर निकालें। नहीं, इसी गलत फहमी में कोई जानबूझ कर, या वैसे टक्कर नहीं मारता कि कोई जानबूझकर टक्कर मारता हो, गलती धोखे से ही होती है और धोखे से ही स्थिति बनती है। आप देखिए आपसे गलती हो गई, आपने मान लिया कि धोखे से जानबूझ के नहीं चढ़ाया, अगर जानबूझ के नहीं चढ़ाया, धोखे से नहीं चढ़ाया होता तो ये क्यों होता, चढ़ाया तो फिर जानबूझ के चढ़ा कैसे उस पर, अगर आप नहीं देख कर चला रहे थे, देख रहे थे, अगर धोखे से चढ़ता, धोखे से चढ़ कैसे गई। देखिए बेचारा खड़ा हो रहा है लेकिन पैर नहीं रख पा रहा है, बेचारा इतना परेशान, इतना दर्द, अब आप देखिए कितना दर्द हो रहा है, क्या स्थिति हो रही है उसकी। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है, जो भी भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया वाहन धीमा चलाएं, कोई भी एक्सीडेंट ना हो जिससे किसी गोवंश के लगे। देखिए बेचारा दर्द के मारे फिर लौट गया, पैर ऊपर करे, कितना दर्द हो रहा है आप देखिए। इस गोवंश की सूचना मैं, ये घटना मैं बता दूं आपको कहाँ की, ये घटना है नूराबाद की, नूराबाद चौराहे पर, जो सामने नीले कुर्ते में दिख रहे हैं आपको, ये राजू पंडित जी हैं जो निरंतर गौ माता की सेवा करते हैं, और कहीं भी उन्हें कोई गौवंश दिखे या घायल दिखे, कुएं में गिर जाए, कहीं भी गिर जाए, वो नूराबाद के पूरे क्षेत्र को अपने संपर्क में रखते हैं, और कहीं भी कोई दुर्घटना घटना होती है तो उन्हें तुरंत सूचना मिल जाती है। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचते हैं और उसका प्राथमिक उपचार, फिर उसे गौशाला सब व्यवस्था करते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति ये बनी कि डॉक्टरों को कॉल लगाया, ना डॉक्टर आए, अधिकारियों को सूचना दी, ना अधिकारी आए, फिर मुरैना से मैं वहाँ पहुँचा और स्थिति देखी, तो वहाँ उस गौवंश के लिए लोग बुलाए, स्थानीय लोग आए, और बामौर से भी हमारे गौ सेवक कल्लू गुर्जर जी आए, और अन्य लोग जो मुरैना से हमारे नंद किशोर जी, मोहित प्रजापति जी, सभी गौ सेवक उनके सहयोग से इस गौवंश को रखा। साथ ही नूराबाद थाने की प्रभारी भूमिका दुबे जी ने अपना स्टाफ, जिसमें अशोक गुर्जर जी व अन्य लोग मौके पर पहुँचे, और उन्होंने लोडिंग वाहन रुकवाई, जिसमें उसे कड़ी मशक्क़त करके वाहन में, आप देख रहे हो सभी गौ सेवक वाहन में गौवंश को रख रहे हैं। देखिए चारों तरफ कितना खून ही खून, खून ही खून। आप सोचिए अगर आपके थोड़ी सी नाखून निकल जाए या कुछ हो जाए, थोड़ा सा नाखून भी टूट जाता, कितना दर्द होता है उसके, तो पूरे पैर के पूरे नाखून, जिन्हें हम खुर बोलते हैं, उनके वो नाखून होते हैं, उनसे वो चलते हैं, उनसे वो सब कुछ करते हैं, जैसे कि चलने में, चढ़ने में, उतरने में, इतनी समस्या। और किसी के पैर के नाखून या पैर ही, जैसे कि उनका पैर ही माना जाए, अगर आपका पैर दुचल जाए, कुछ हो जाए, तो आप पर कैसे, क्या आप खड़े हो सकते हैं, आप कब तक डले रहेंगे, क्या स्थिति होगी। वही स्थिति इस बेचारे गौवंश की हो रही है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ कर, पैर छू कर, जो भी मेरी भाई बंधु ये वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया करके वाहन धीमा चलाएं, धीमा चलाएं, धीमा चलाएं, नहीं तो इसी प्रकार आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटना हो रही हैं, बेचारों को कितना दर्द हो रहा है, कितने गौ सेवक उसको उठा कर रख रहे हैं, बेचारे की क्या स्थिति बनी, क्या हालत हो रही है, आप देखिए। सभी युवा साथी व गौ सेवक, पुलिस वाले, अन्य लोग उस गौवंश को उठाकर उस गाड़ी में रख रहे हैं, देखिए क्या स्थिति है। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि कहीं भी आपको कोई गौवंश दिखे, तो हमारे इस नंबर पर जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है,
आपको आपके आँखों के सामने वीडियो में दिख रहा है 6260512806 6260512806। इस नंबर पर आप संपर्क करें और आपको कहीं भी कोई घायल गोवंश दिखे आप हमें तुरंत कॉल करें। हर संभव उस गोवंश की मदद की जाएगी। समय तो खैर लगता ही है, कहीं और व्यस्त रहते हैं, कहीं और एक्सीडेंट हुआ हो तो दूसरी जगह नहीं पहुंच पाते, लेकिन उसकी ज़रूर जितनी होगी मदद उतनी करेंगे। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहें। और थोड़ा सा निवेदन और है कि आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए सभी गौसेवक भामर से कल्लू गुर्जर जी उसे लेकर आए और देव वहाँ ग्वालियर लाल टपारा गौशाला में उसे रख रहे हैं। देखिए गौशाला के कुछ कर्मचारी और हमारे गौसेवक उसे उतारने में मदद कर रहे हैं। देखिए कितना दर्द हो रहा है। धन्यवाद।